पाएगा उसके लिए हमें क्या करना है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री विश्वबंधु गुप्ता जी, जो पूर्व आयकर आयुक्त हैं, उनको पता है कि किस तरह से विदेशों में धन जमा है, वह धन कैसे देश में आ सकता है और लोग क्यों नहीं आना देना चाहते। माननीय विश्वबंधु गुप्ता जी। दोस्तों, भाइयों और गुरुदेव बाबा रामदेव जी, आप इस चीज को नहीं मानेंगे, मैं अभी तक बाबा रामदेव जी को पर्सनली नहीं मिला हूं। उनके मेरे पास फोन आए आसाम से, बोले विश्वबंधु तुमको बहुत कुछ मालूम है, समय आ गया है, तुम आ जाओ। और आज मैं बाबा रामदेव के कहने पे चला आया हूं। मैं चला आया हूं बाबा रामदेव के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर करने के लिए चला आया हूं। मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद, क्योंकि ये जीवन भगवान का दिया हुआ है, आपके बच्चे या मेरे बच्चे ये कहें कि हमारे नालायक मां बापों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये ऐसा सड़ा गला देश छोड़ गए वो बुड्ढे, ये साली हमारी से जो पहले वाली जमात थी इन्होंने मरवा दिया। मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होगा, मैं लड़के मर जाना पसंद करता हूं, जिंदा नहीं रहना चाहता। और ये ऐसी लड़ाई होगी, महाभारत सुना है आप लोगों ने, ये महाभारत ऐसा होगा जो इस जगह की पीढ़ी देखेगी, और नॉर्थ ब्लॉक से लेकर साउथ ब्लॉक से लेकर 10 जनपद तक का ईंट तोड़ दिया जाएगा। युद्ध का हम आपको कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बताना चाहते हैं जो जनता से छुपी हुई हैं। पहली बार मुझे मालूम है ये आज का भाषण प्रधानमंत्री सुनेंगे, सोनिया गांधी जी सुनेंगी, सारे भ्रष्ट मंत्री सुनेंगे, सबको पता है विश्वबंधु गुप्ता क्या है। और मैं अपनी बात और आप लोगों की बात वहां तक पहुंचाने के लिए एक एक चीज का आज खुलासा कर दूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी मेरे दोस्त हैं, उनसे ज्यादा मैंने लड़ने वाला आदमी नहीं देखा, मुझे पता है। सुनिए, हम लड़ेंगे, मरेंगे। अब आपको मैं कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनिए, इस देश के साथ धोखा कैसे दिया गया पिछले 6 सालों में, आराम से सुनिए। ये ऐसी कहानी है जो आपको सुनकर आपको चौंका देगी। हाँ जी, मैं प्रणब मुखर्जी से मिला जो भारत के वित्त मंत्री हैं। मैंने कहा योर एक्सीलेंसी मिनिस्टर साहब, हमारा स्विट्जरलैंड में 70 लाख करोड़ हमारे लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको लाने के लिए कानून क्यों नहीं लाते। बोले विश्वबंधु तुमको मालूम नहीं है, स्विट्जरलैंड के भी कानून हैं, उस कानून के अंदर वो हमको ना नाम बताएंगे ना पैसा देंगे। सुनता रहा, एक हिजड़े की बात सुनता रहा। एक हिजड़े की बात सुनता रहा, मन में आया मेरे मां बाप अंग्रेजों की आजादी में जेल गए थे, ये हिजड़ा यहां बैठा क्या कर रहा है। ना वो सिर्फ हिजड़ा है, वो झूठा है, हर बार पार्लियामेंट में झूठ बोलता है। हम बताएंगे, अब आपको मैं स्विट्जरलैंड का बता दूं, स्विट्जरलैंड की कुल आबादी 66,80,000 है। सुना आपने, नई दिल्ली और साउथ दिल्ली की आजादी 66,80,000 है। अगर 66,80,000
हिंदुस्तानी स्विट्जरलैंड पर जाकर कब्जा कर लेगा, मुझे मालूम है हम कब्जा कर लेंगे। अरे 120 करोड़ के देश के नेताओं, तुमको आज 66,20,000 का वो चोर मुल्क सारे यूरोप के अंदर 18 साल की लड़की को वेश्यावृत्ति का करने का अधिकार दिया गया है। स्विट्जरलैंड यूरोप का अकेला देश है जहां पे 16 साल की लड़की से वेश्यावृत्ति कराई जाती है। स्विट्जरलैंड वो देश है जहां पर, अच्छा और सुनिए, मैं आपको और कुछ फैक्ट्स बताता हूं आपको। 2005 में, स्वामी जी आप सुनिए, आप इकोनॉमिस्ट हैं सुनिए, 2005 में जिन बैंकर्स ने, स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को कि हम आपके देश में आना चाहते हैं, 2007 में वही बैंकर्स जिनके पास 70 लाख करोड़ रखा हुआ है वो दिल्ली आए, उनकी फोटोएं हैं हमारे पास, उन्होंने कहा हमको हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड के बैंक खोलने दिए जाए, हमको स्विट्जरलैंड का दुनिया में का लूटा हुआ पैसा बंबई की स्टॉक मार्केट में लगाने दिया जाए। शर्म की बात है। चिदंबरम साहब से मैं जवाब मांगता हूं, 2007 में स्विस बैंक्स को आजादी दी गई भारत के स्टॉक मार्केट्स में सट्टा खेलने की, 2005 में भारत में 4 स्विट्जरलैंड के बैंक खोले गए और 8 इटली के बैंक खोले गए। ये वो इटली के बैंक हैं जिनमें घाटा हो रहा है जिसको वहां का माफिया चलाता है। इससे आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे बाबा जी ने बोला, मैंने बाबा जी को मैंने ही लिस्ट दी थी 8 बैंकों की। अगर बहन मेरी सोनिया जी अगर देश को लूटने आई हो तो लाल किले से ऐलान कर दो ऐलान, अगर हम में देश का खून है तो हम जीत लेंगे, और अगर तुम में इटली का खून होने का तुम में गर्व है तो तुम जीत जाना। एक बार ये लड़ाई आर पार की हो ही जाए तो अच्छा है, ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चल सकती। मैं रोज टेलीविजन के आगे घुट घुट कर नहीं मर सकता इस देश के भ्रष्टाचार से, मैं तंग आ गया हूं, मैं बिल्कुल तंग आ गया हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात और बोलो, स्विस लुटेरों पे मैं बोलूंगा, पैसा आप बोलो वापस दो, वापस दो। स्विस लुटेरो पैसा, स्विस लुटेरो पैसा, इतनी जोर के आवाज लगाओ कि ज्यूरिख पहुंचे ये आवाज। मैंने फिर एक दिन मनमोहन सिंह जी को कहा, मैंने कहा चीन आ रहा है, कश्मीर के अंदर हवाई अड्डे बन गए हैं, क्या क्या बन रहा है, मैंने को जानते हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, इससे अच्छा तो हम लड़ी लें एक बार, 120 हम हैं, 150-60 वो हैं, कोई बात नहीं। देखिए जब दो आदमियों में लड़ाई होती है, लड़ाई वो नहीं जीतता जिसका कद ज्यादा है, लड़ाई वो जीतता है जिसमें लड़ाई ज्यादा है। हाथ हो जाए दो दो, कश्मीर पर ही हाथ हो जाए दो दो, चीन से ही हो जाए। मुझे रोज मत डरा उनकी, ये कभी दिखाकर यहां पर डैम बन रहा है, ये यहां पर ये बन रहा है, ये वहां पर वो बन रहा है। इस साली लानत भरी जिंदगी से मैं मरना पसंद करता हूं। बुरा ला उसको, चीन की फौजों को, और हमारी फौजें भी जवाब देंगी और हम देंगे जवाब उनको। आपको कुछ हसन अली का खुलासा करता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसमें मैं कमिश्नर था, उसने पूना में छापा मारा, छापे में एक लैपटॉप पकड़ा गया जिसमें 17 नाम थे, एक नाम पढ़ा जा सकता था अदनान कशोगी का, बाकी 16 नाम कोडिट थे, समझ नहीं आ रहे थे। हमारे अफसर थक गए, उन्होंने कहा कि साहब ये नाम नहीं पता लग रहे,